देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति का वो नाम है जिन्हें अपने पिता से राजनीति विरासत में मिलने के बावजूद उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने अपने निष्ठावर्धक कार्यों के माध्यम से महाराष्ट्र में अपने नाम को बुलंदियों तक पहुंचाया है। मैं श्री देवेंद्र फडणवीस जी से निवेदन करती हूँ कि वे हमसे कुछ बातें साझा करें। हम सभी के चहेते नेता और जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर आइकॉन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, ऐसे आदरणीय नितिन जी गडकरी, जिन्होंने सिम्बायोसिस का बीजारोपण किया और आज एक वटवृक्ष के रूप में सिम्बायोसिस को हम देख रहे हैं, ऐसे फाउंडर प्रेसिडेंट और चांसलर आदरणीय SB मुजुमदार सर, प्रो चांसलर विद्या येरवडेकर जी, वाइस चांसलर डॉक्टर गुप्ते, इस सभागार में उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण और उपस्थित सभी स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले सिम्बायोसिस को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि एक बहुत ही सुंदर कन्वेंशन सेंटर का निर्माण सिम्बायोसिस में हुआ है और आज उसके उद्घाटन के लिए नितिन जी को और मुझे निमंत्रित किया गया। और इस कन्वेंशन सेंटर के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी सिम्बायोसिस ने शुरू किया और मैं ऐसा मानता हूँ कि नागपुर के लिए, विदर्भ के लिए एक बहुत ही आइकॉनिक इस प्रकार का केंद्र सिम्बायोसिस के माध्यम से निर्माण हुआ है। अभी अभी हम यहाँ के आर्किटेक्चर की बात कर रहे थे और श्री हफीज कॉन्ट्रैक्टर जी और श्री विश्वनाथन जी, इनका हमने सम्मान भी किया। तो जब मैं इस कैंपस में आ रहा था तो मैंने साथ आए मेरे मित्र को कहा कि जब मैं लॉ कॉलेज में पढ़ रहा था तो इतना सुंदर कैंपस नहीं था, अगर इतना सुंदर कैंपस होता तो 5 साल का लॉ का कोर्स मैं 10 साल में कम्प्लीट करता, इसी कैंपस में रह जाता। लेकिन आप सारे लोग बहुत ही, मैं ऐसा मानता हूँ कि भाग्यशाली है कि इतना सुंदर कैंपस आपको मिला है। लेकिन केवल कैंपस नहीं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द कैंपस, जिस प्रकार की शिक्षा यहाँ पर मिलती है, जिस प्रकार का वातावरण यहाँ पर हमको पढ़ने के लिए मिलता है, उस शिक्षा के कारण, उस वातावरण के कारण आज सिम्बायोसिस ने पूरे देश और दुनिया में एक अपनी साख जमाई है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि भारत आज जिस तेजी के साथ विकास कर रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वी आर गोइंग टू बिकम अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर हम लोग होने वाले हैं तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने के लिए यू नॉट ओनली नीड फिनेंशियल रिसोर्स बट यू ऑल्सो नीड ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स के बिना कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। और आज भारत के लिए ह्यूमन रिसोर्स ये सबसे महत्वपूर्ण है, और वो ह्यूमन रिसोर्स क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए, ये भी बहुत आवश्यक है। हमारे इंस्टीट्यूशंस ये केवल अगर डिग्री देने की संस्थाएं बन जाएगी तो हमारे पास डिग्री प्राप्त लोग तो रहेंगे पर दैट विल बी मियर पॉपुलेशन, नॉट ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स हैज टू बी ट्रेंड, ह्यूमन रिसोर्स जो एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन दे पाए देश की अर्थव्यवस्था में, ऐसा ह्यूमन रिसोर्स
और ऐसा ह्यूमन रिसोर्स अगर हमें तैयार करना है तो हमें अच्छी शिक्षा संस्थाएं तैयार करनी पड़ेगी। आज देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बहुत बड़े पैमाने पर, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो या फिर स्वायत्त संस्थाएं हो, इनको बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि आज जो लोग आप जैसे पढ़ रहे हैं, आपके लिए ये सौभाग्य है कि इस नई एजुकेशन पॉलिसी ने आपको अपने मन की सारी चीज़ें पढ़ने का एक मौका दिया है। पहले कोई कॉमर्स पढ़ता था तो साइंस नहीं पढ़ पाता था, कोई इंजीनियरिंग पढ़ता था तो आर्ट्स नहीं पढ़ पाता था, लेकिन आज इस नई पॉलिसी के तहत इंजीनियरिंग पढ़ने वाला आर्ट्स पढ़ सकता है, साइंस पढ़ने वाला इकोनॉमिक्स पढ़ सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से 360 डिग्री अप्रोच को लेकर हमारी सारी शिक्षा व्यवस्था को खड़ा करने का प्रयास आज चल रहा है। और सबसे महत्व की बात क्या है, तो हम जिस तेजी से बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी जिस तेजी से बदल रही है, मैं पिछले समय जो हमारी लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट है देहरादून की, वहाँ पर एक आईएएस के बैच को लेक्चर देने के लिए गया था, और उस समय मैंने उनको कहा कि आज तो आप सारे लोग आईएएस बनोगे, कुछ लोग कलेक्टर्स बनोगे, रेवेन्यू स्ट्रीम में जाएंगे, और आज अगर हम विचार करें तो किसी भी राज्य का रेवेन्यू विभाग जो होता है बहुत बड़ा विभाग होता है, लैंड रिकॉर्ड्स और ये सारी बड़ी चीज़ें होती है। लेकिन महाराष्ट्र में पिछले समय हमने ये सारा रिकॉर्ड डिजिटाइज किया और इसको ब्लॉकचेन में परिवर्तित करने का काम हमने शुरू किया, और धीरे धीरे जब ये सारा रिकॉर्ड ब्लॉकचेन में परिवर्तित हो जाएगा तो न कलेक्टर को काम रहेगा, न तहसीलदार को काम रहेगा, न SDO को काम रहेगा, तो सारा काम का जो चित्र है और चरित्र है वो बदल जाएगा। तो हम जिस प्रकार के फेस से आज गुजर रहे हैं, सारे हमारे लाइफ के जितने स्पीयर्स है, इसमें टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा बदलाव ला रही है। पिछले समय में एक स्टार्टअप में गया, उस स्टार्टअप में दो युवाओं ने एक ऐसा इक्विपमेंट तैयार किया था कि जो चंद सेकंडों में आपके रेटिना का एक फोटोग्राफ लेता था, उस फोटोग्राफ को 50,000 पीसेस में वो परिवर्तित करता था और प्रिसिशन पद्धति से उस रेटिना में क्या हुआ है और उसमें क्या करना चाहिए ये मात्र 2 या 3 मिनट में बताता था। और एक ऑप्थल्मोलॉजिस्ट के लिए एक चुनौती के रूप में मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की मशीन ये तैयार होती है। लेकिन इसका फायदा भी होता है कि इस प्रकार की मशीनें जब तैयार होती है तो हमारे रूरल इंडिया में, जहाँ पर हमारे ट्रेंड डॉक्टर्स नहीं पहुँच सकते, ऐसी जगह पर ऐसी मशीनों का उपयोग करते हुए हम हेल्थ केयर पहुँचा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन आज हमको दिखाई पड़ता है, और विशेष रूप से हमारे एग्रीकल्चर के सेक्टर में पिछले समय मैंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ एक MOU किया और हमने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया 6 डिस्ट्रिक्ट में, और जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए जो हमारे किसान जो बीज बोते हैं, बीज बोने से तो फ्लावरिंग तक हर चीज़ का वो फोटोग्राफ लेता है, इतना प्रिसीशन फोटोग्राफ लेता है, तो एक्चुअल प्रिसीशन के साथ वो बता सकता है कि इसकी स्टेज क्या है, इस पर अगर किसी प्रकार का डिसीज आने वाला है तो कौन सा आ सकता है, उस पर क्या करना चाहिए, नहीं आने के लिए क्या करना है, और इसकी सारी कीमत इतनी कम हो जाती है कि जिसके कारण जो प्रेडिक्टेबिलिटी आज हमको एग्रीकल्चर के सेक्टर में चाहिए, ये सारी प्रेडिक्टेबिलिटी एग्रीकल्चर के सेक्टर में हमको मिलती है। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि हम एक ऐसे एरा से गुजर रहे हैं जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी को नकार नहीं सकते। टेक्नोलॉजी एक ऐसा घोड़ा है जिसे डरने की आवश्यकता नहीं है, उस घोड़े पर बैठकर हम तेजी के साथ विकास की ओर जा सकते हैं। और मुझे तो जो मेरे सामने बैठी हुई पीढ़ी है, मिलेनियल जो हमारी पीढ़ी है, तो टेक्नोलॉजी के साथ पैदा हुई है। हम लोग तो बड़े होने के बाद मोबाइल वगैरह हमने यूज़ करना शुरू किया, मेरी बच्ची तो 3 साल की थी तब से मोबाइल यूज़ करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बदलती हुई दुनिया है, इसके बदलते हुए इथोस है, इसको हमको समझना पड़ेगा और उसको हमारी शिक्षा पद्धति में, हमारे कौशल में हमको इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसके माध्यम से जब हम दुनिया के सामने जाएंगे तो मेरा विश्वास है कि आज भारतीय लोग जिस प्रकार से एक बदलाव कर रहे हैं, हम स्टार्टअप कैपिटल बन रहे हैं, हमारे पास इतने यूनिकॉर्न्स तैयार हो रहे हैं,
एक प्रकार से वर्ल्ड से हम कम्पीट कर रहे हैं, और ऐसी ये सारी कंपटीशन में मुझे ये विश्वास है कि सिम्बियोसिस जैसी जो संस्थाएं हैं, इनसे पढ़कर जो लोग बाहर निकलते हैं, ऐसे सारे लोग उस कॉन्फिडेंस के साथ वर्ल्ड को फेस कर सकते हैं, एक आत्मविश्वास के साथ हम दुनिया के सामने जाकर और दुनिया के जो चैलेंजेस है उन चैलेंजेस को हम बिल्कुल सीना चौड़ा करके उसका सामना कर सकते हैं। और इसीलिए सिम्बियोसिस ने जो नागपुर का कैंपस यहाँ पर तैयार किया है, मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नितिन जी का ये सपना था, हम सबने मिलकर उनको मदद की, और आज जहाँ एक और देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, वही नितिन जी ने ये भी इंश्योर किया उस समय, और मुजुमदार सर को ये कहा कि हमको तो देश भर के स्टूडेंट्स चाहिए, और हमारे नागपुर और विदर्भ के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर होने चाहिए, और इसलिए 25% का रिजर्वेशन ये नागपुर के स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर रखा है। तो मुझे लगता है कि इसके कारण एक बहुत ही अच्छा ये सारा एजुकेशन का माहौल यहाँ बना है, और हमारी अपेक्षा है कि ये कैंपस ऐसा ही बढ़ता रहे, आप नए नए कोर्सेज शुरू करते रहे, स्किल डेवलपमेंट के जो कोर्सेज शुरू हुए हैं वो इतने अच्छे हैं कि जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी इतनी फास्ट बढ़ेगी, जो बिल्कुल कॉमन आदमी है, जो पढ़ भी नहीं पाया, 10वीं पढ़ा है, 12वीं पढ़ा है, हमारी बच्चियाँ जो किन्हीं कारणों से पढ़ाई छोड़कर अब दूसरे व्यवसाय करना चाहती है, ऐसे सभी के लिए बहुत ही एम्प्लॉयबल बनाने वाला इस प्रकार का स्किल डेवलपमेंट सेंटर यहाँ पर आपने शुरू किया, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक इतना सुंदर ये ऑडिटोरियम आपने आज एक प्रकार से नागपुर को और महाराष्ट्र को डेडिकेट किया है, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए इस बहुत सुंदर कार्यक्रम में मुझे बुलाया, इसका हिस्सा बनाया, इसलिए सिम्बियोसिस परिवार का आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।